तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कूलर की या पंखे की कोई भी मोटर की रिवाइंडिंग करते हैं तो उसके दो तार कैपेसिटर के अलग और दो मेन वायर अलग कैसे निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप इस मोटर के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि अलग से आपको दो वायर कैपेसिटर के और दो मेन वायर निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि सबसे पहले यहाँ पे जो नीचे वाला रनिंग कॉइल का जो वायर है और स्टार्टिंग कॉइल का जो दो वायर है, इन दोनों को आपस में आपको ऐसे मिला देना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं कि हमने इसको मिलाया है, इन दोनों को हमने एक कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि आपके पास दो और वायर रहते हैं, एक तो इन दोनों को आपने मिलाए वो वायर, और अब आपके पास इसके अलावा दो वायर रहते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रनिंग का एक वायर है। इन रनिंग के साथ में हमने दो कनेक्शन किए, एक तो हमने कैपेसिटर के लिए और एक हमारा सप्लाई मेन वायर, और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग कॉइल का एक वायर है जो कि कैपेसिटर के लिए हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि रनिंग कॉइल का एक वायर जो कि हमने स्टार्टिंग और रनिंग के लिए मिलाया था वो वायर हो जाता है, और रनिंग का एक वायर हमारे पास यहाँ पे रनिंग का जो एक वायर रहता है वो हो जाता है, और कैपेसिटर का यहाँ पे रनिंग का एक वायर और यहाँ पे स्टार्टिंग का एक वायर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप दो वायर कैपेसिटर के और दो मेन वायर निकाल सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।